हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना कॉलेज। तो बात यह है कि मुझे क्लास से निकाल दिया गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस टाइम को यूटिलाइज करके मैं यहाँ का ब्लॉग ही बना लूँ। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफ ना डील करना। कारण से मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। वैसे कोई इरादा नहीं था ब्लॉग बनाने का, लेकिन फिर भी मैं यहाँ का ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम है एक्स्ट्रा। तो गाइज बने रहना, मैं आपको आज अपना कॉलेज दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, किसी भी स्थान पर प्रवेश करने के लिए गेट की आवश्यकता होती है। तो ये रहा हमारे कॉलेज का गेट, जिसका नाम है पॉलिटेक्निक कॉलेज गुलजारबाग, बिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज गुलजारबाग। तो ऐसा है हम लोगों के कॉलेज का गेट। और मेरा एक दोस्त भी आ रहा है, मैं आपको अंदर का कुछ सीन दिखा दे रहा हूँ स्टार्टिंग। यहाँ पे आप जब स्टार्टिंग में आते हो तो यहाँ पे बैठ सकते हो आप लोग। और ये रहा सर सबका कार। और उसके बाद ऐसा कुछ ग्राउंड है हम लोगों का, वो उसमें क्लास चलती है उधर हम लोगों का सबसे ऊपर। और ये रहा एक मेरा दोस्त। तो मेरे दोस्त हमको मिल गए, तो हमें भी दिया दिया गया है। और इसको भी क्लास से बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि ये भी लेट से पहुंचा। एक और नमूना है, उसको दिखाने वाले हैं जल्दी। तो ऐसा कुछ है, हम तो आपको दिखाई दिए, आपको ये भी दिखाएंगे कि किस मैम ने हमें निकाला है। तो वो दिखा देंगे, अगर मैम देखेगी तो फिर मार्क्स कम हो जाएगा इंटरनल में। तो ऐसा मैं गुस्ताखी नहीं करूँगा। यहाँ पे बैठ करके आप मन को शांत कर सकते हो। तो दोस्तों, हमारे कॉलेज का वर्कशॉप ये रहा, जहाँ पे मतलब आप कोई भी चीज़ अगर तैयारी पढ़ते हो तो उसका प्रैक्टिकल करने के लिए ये वर्कशॉप है। भले ही खपड़ा का है, लेकिन इसके अंदर जो है सामान, वो सामान जो है, उस सामान से बहुत सारा जो है यहाँ से इंजीनियर बन के गया और बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। वैसे ये कॉलेज पूरा बिहार में 2 नंबर पर आता है, तो अच्छा कॉलेज है। और ये रहा जहाँ पे साइकिल वाइकल लगाया जाता है, तो आप आकर के यहाँ पे साइकिल लगा सकते हो। वहाँ पे हम लोग इंतज़ार करते हैं उस सीढ़ी पे, यहाँ पे नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे धूप लगता है। तो ठीक है, हम लोगों का कॉलेज उस होकर के यहाँ पे ऊपर चलता है। तो मैं सबसे पहले आपको गेट, वो रहा तो गेट से मैं दिखा दे रहा हूँ जहाँ पे कॉलेज का सारा काम होता है। काम इधर वर्कशॉप में भी हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन मेन काम यहाँ होता है, क्या कहते हैं ये कार्यालय, जिसको आप ऑफिस बोल सकते हो। ये हम लोगों का लैब रूम रहा और ये ऑफिस। और इधर रहा शौचालय, तो देख लो आप लोग किधर है। तो आपको अगर ढूंढने में दिक्कत होगा तो आप ये देख सकते हैं। उधर रहा कार्यालय और क्लासरूम है और लैब है कंप्यूटर। ये रहा कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे कंप्यूटर लैब है अंदर में। तो अंदर में आप कंप्यूटर का सारा काम होता है, लेकिन कंप्यूटर का क्लास कम ही होता है, तो ऐसा कुछ माहौल है। वर्कशॉप सब दिखाने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ एक और गेट है यहाँ पे निकलने के लिए बाहर, या अंदर आने के लिए भी बोल सकते हो। तो वो रहा वो गेट। तो यहाँ पर कुल 2 गेट हैं। ठीक, वैसे ये वीडियो मैं अपने दोस्तों के लिए बना रहा हूँ, मतलब ऐसे ही फन के लिए। हम अपने दोस्त को भी अभी दिखाएंगे, क्लास के सारे दोस्त को। तो देखना, और अगर कोई नए हो जो इस ब्लॉग को देख रहे हो, तो कोई डॉट अगर है आपको कि इस कॉलेज में आने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कैसा एग्ज़ाम, कैसे कुछ मिलेगा, तो आप कमेंट में पूछना। डॉट अगर हमको पता रहेगा तो मैं उसका जवाब दे दूंगा कमेंट में, ठीक है, रिप्लाई कर दूंगा उसको। तो ठीक है गाइज, ऐसा कुछ है हमारा कॉलेज, बहुत प्यारा कॉलेज है। वैसे सर भी हम लोगों के बहुत अच्छे हैं, और मैं थोड़ा गलती कर दिया था, इसी कारण से मैं आज अभी बाहर में हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं कॉलेज ही दिखा दे रहा हूँ उतना टाइम में। शायद मैम का क्लास ख़त्म हो गया, तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि चले जाऊँ अपने क्लासरूम। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने क्लासरूम जाने का रास्ता।
सबसे पहले मैं जाते जाते आपको लाइब्रेरी दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे अभी पुताई का काम हो रहा है, रंग पेंट बोल सकते हैं उसको। तो आगे दिवाली है इस वजह से, और वो रहा हम लोगों का लाइब्रेरी सबसे आगे। और फर्स्ट फ्लोर पे उधर से ऑडिटोरियम रूम है, तो मैं आपको ऑडिटोरियम रूम भी दिखा देना चाहता हूँ। और गर्ल्स कॉमन रूम, शायद इसका कोई काम नहीं होता है। तो हम लोगों का जब भी एग्ज़ाम हुआ है अक्सर तो इस ऑडिटोरियम रूम में ही हुआ है, तो शायद ना हो कोई इस रूम में, लेकिन नहीं, फिजिक्स का कुछ चल रहा है। फिजिक्स, अगर आप व्यू लेना चाहते हो तो आप फर्स्ट फ्लोर पर से ही ऐसे फर्स्ट फ्लोर पर इधर आओगे, तो ये छत है, यहाँ से व्यू गजब। तो आपको अगर कभी भी हवा लगाने का यहाँ पर इच्छा हो, या फिर थोड़ा खुला अंदर में और नीचे ना रहने का मन करे, तो इस छत पे आ जाओ। ये देखो मेरे कॉलेज का पीछे से व्यू। क्लास शायद उधर वहाँ उधर चल रहा है। मैं अभी अब सेकेंड फ्लोर पे जाऊँगा और हाँ क्लास दिखाता हूँ अपना, और दोस्तों से हो सके तो मिलवाता हूँ। हाँ ये वही जो स्टार्टिंग में मिला था, वही सब। हाय बोल दो, हाय जोर से यार बोल करके। हाय लगी है अपनी। दोस्तों यहाँ से दो रास्ता है, एक रास्ता हम लोगों के क्लासरूम तरफ वो है, वहाँ मैम पढ़ा रही है, और इधर जो है एक और क्लासरूम है, और यहाँ का शायद क्लास अभी नहीं हो रहा है। यहाँ इस रूम को मैं दिखा सकता हूँ, तो ये देखो हम लोगों का क्लासरूम ऐसे ही रहता है, ऐसा ही क्लास हम लोगों का वो भी है। तो क्लास मेरा, लेकिन वो रूम का क्लास जो हमसे इससे बहुत बड़ा है, तो ऐसा ही क्लासरूम है हम लोगों का। और मैं भी दिखाता हूँ वहाँ पे जो छत पे लेकर के गया था, जहाँ से आपको मैं दिखा रहा था सब कुछ बाहरी से, तो ये रहा वो छत, कितना प्यारा। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस कॉलेज के बारे में? ठीक ठाक है, मस्ती करने लायक, बड़ा नहीं है। और मतलब इसको पाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा? पाने के लिए बहुत भाई, बहुत मेहनत। ब्रांच वाइज है, अगर आप सिविल को लेना चाहते हैं तो आपकी आपका हालत ख़राब हो जाएगा, बाकी कोई सा ब्रांच मिल जाएगा, टेक्सटाइल वगैरह ऐसे प्रिंटिंग वगैरह, तो आप रैंक को नहीं लगेगा तो ये मिल जाएगा, क्योंकि इसको आपका कुछ नहीं, जो है सिविल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है। और खुशी की बात यह है कि आपका भाई, दोनों भाई अभी फिलहाल सिविल में है, सिविल। और मेरा बहुत सारा दोस्त है जो सिविल में नहीं है, उसको लग जाएगा तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, प्लेसमेंट होता है, प्लेसमेंट होता है यहाँ से, इसी कारण से मैं इस कॉलेज कॉलेज भले थोड़ा बेकार है बट प्लेसमेंट होता है। ठीक है, नज़ारा उतना प्यारा नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ बहुत प्यारा नज़ारा है ओवरऑल अगर इसको बोला जाए, और बहुत शानदार जगह है यहाँ का। और एक सबसे एक नंबर पे जो आता है वो पटना 13 है, तो पटना 13 यहाँ से बहुत दूर है, और वो भी बहुत प्यारा कॉलेज है, वहाँ पे मेरा हम लोगों का सेंटर होता है। एक व्लॉग होगा शायद, पटना 13 का एग्ज़ाम देने गए थे तो उसका तो पता होगा ही, वहाँ पे सेंटर होता है हम लोगों का। तो ठीक है, मैं दिखाता हूँ मैम के बाहर निकलने के बाद अपना क्लास, क्लास के दोस्तों से हो सके तो मिलवाता हूँ। क्या तो दोस्तों, अब क्लास में एंट्री करने वाले मैम निकल गए क्लास से बाहर, आप देख सकते हैं। हम लोगों का हाँ पीछे का दरवाज़ा ये रहा, और आगे का ये। तो मैं आपको अभी मिलाने जा रहा हूँ एक स्पेशल फ्रेंड से, और ये हकदार फेस, सब्सक्राइब दिस चैनल, कॉलेज में गोली चलेगा।
अभी यहाँ पे रेड पड़ रहा है। अभी सिस्टम बदला लेने गया था लेकिन ले नहीं पाया। कमेंट कर देना ग्रुप पे डाल दे। तो गाइस मैं अभी अपने क्लासरूम से निकल चुका हूँ और जा रहा हूँ जस्ट अपने रूम पे। तो हाँ आज मज़ा आया क्लास से निकलने के बाद भी, मतलब अच्छा लगा यहाँ पे। और सारे दोस्त जो हैं इसमें आ गए, तो सभी दोस्त जो सब लाइक करना जो देख रहे हो मेरे कॉलेज के जो, और कुछ नए हो तो वो भी कर देना। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं जल्दी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।